चलिए फिर शुरू करते हैं। जो आपका हुक्म मैम, बोलिए। हाँ जी। आज मेरे पास कुछ सवाल हैं और ये मैंने इनके साथ शेयर नहीं किए हैं। मैं वाकई नहीं जानता, सच सच बोल रही है ये। तो अच्छा लगता है? हाँ हाँ, मतलब इरिटेटिंग लगता है? नहीं नहीं, इरिटेटिंग बिल्कुल भी नहीं यार। नहीं नहीं, इट डजंट डन। मैं भी कुछ जाऊंगा। 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स यार, हद है यार। मेरे तो 45 भी नहीं होंगे। पूरे सवाल लिख के आइए आप, इंप्रेसिव। हाँ बोले बोले, पूछिए पूछिए कुछ। हाय एवरीवन, मेरी आवाज बहुत डाउन है, बट आज मैं एक टीवी स्टार के साथ बैठी हूँ। ये कथा अनकही में एक्ट करते हैं, इनके किरदार का नाम है एसन, और मेरी मम्मा इनकी बहुत बड़ी फैन है। तो शुक्र है कोई तो फैन है यार। आपके बहुत सारे फैंस होंगे, जस्ट बीइंग मॉडेस्ट। सो द थिंग इज कि आज मेरे पास कुछ सवाल हैं और ये मैंने इनके साथ शेयर नहीं किए हैं। ये नहीं जानते कि मैं इनसे क्या पूछने वाली हूँ। मैं वाकई नहीं जानता, सच सच बोल रही है। हाँ। मैं सच ही बोलती हूँ हमेशा। तो मैं भी कोशिश करूंगा। आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। हमने पिछले 15-20 मिनट जो स्पेंड किए, मुझे समझ में आ गया है कि ये जितने सच बोलेंगे उसमें से शायद हमें कुछ कुछ एडिट करके हटाना पड़ जाए। ओके, सो द थिंग इज कि मैं ये चाहती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग अभी यंग हो, आप ढूंढ रहे हो कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। सो हियर इज समबडी हु कैन हेल्प यू एंड ही कैन शो यू द वे, ही कैन टेल यू कि इन्होंने कैसे किया। बस और... बस बस, कुछ ज्यादा तारीफ नहीं होगी। आई थिंक आज इतनी काफी है, मुझे खुद को हजम नहीं हो रही है। फर्स्ट आई शुड फिगर आउट व्हाट आई हैव टू डू व्हेन आई हैव टू। आपको अपनी स्टोरी पता है ना, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, उतना काफी है। जी जी, जो आपका हुक्म मैम, बोलिए। हाँ जी, चलिए फिर शुरू करते हैं पहले जी सवाल। जी जी, फर्स्टली थैंक यू सो मच अलीना फॉर इंटरव्यूइंग मी। जब मुझे पता चला कि अलीना जी के 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, मैंने कहा मुझे आपको इंटरव्यू करना चाहिए रादर देन यू इंटरव्यूइंग मी। बट आई थिंक इट्स अ मॉडेस्टी एंड सिंपलिसिटी एंड सच अ डाउन टू अर्थ एटीट्यूड दैट शी इज डूइंग दिस फॉर मी। थैंक यू सो मच। हाँ जी बोलिए। ओके, आई एम प्रोबेबली ब्लशिंग राइट नाउ, बट थैंक यू फॉर ऑल दोस काइंड वर्ड्स। सो इनका नाम है समर वर्मानी, और समर जी स्टार्ट करें इंटरव्यू। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अच्छा मैं इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकती हूँ। हाँ, एनीथिंग, गो फॉर इट यार। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू इज, डिड यू प्लान ऑन बिकमिंग एन एक्टर, या ये तुक्के में हो गया? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल यार, ऑफ कोर्स तुक्के में हो गया। मैं आई एम फ्रॉम अ नॉर्थ इंडिया, मैं चंडीगढ़ से हूँ बेसिकली, दैट्स माई होम टाउन। आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड, और लाइक हमारी कंडीशनिंग ऐसी है या परवरिश ऐसी है, कुछ भी कह लो आप, कि हमारे मॉम डैड को डॉक्टर या इंजीनियर बनने के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता था। लाइक आई रिमेम्बर वंस आई पास्ड माई 10th, सो देयर वाज ओनली टू ऑप्शंस गिवन टू मी, इधर नॉन मेडिकल या मेडिकल। कि चलो नॉन मेडिकल है तो ऑफकोर्स इंजीनियर, मेडिकल है तो डॉक्टर। सो या एंड आई थिंक आजकल बच्चे बहुत तेज हो गए, यू नो दिस यंग जनरेशन कमिंग अप, दे एक्चुअली नो सिंस दे 12 13 व्हाट दे वांट टू डू। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड नो आइडिया, आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, फॉलोइंग द मॉब। जो मॉम डैड कह रहे अच्छा ही कह रहे होंगे, कर ही लेते हैं, अब तक तो अच्छा ही सोचा है, आगे भी अच्छा ही सोचेंगे। तो ये कैसे हो गया? तो बस फिर ऐसे ही, फिर 11 12th में तैयारी करी इंजीनियरिंग की, मैं पुणे आया अपने इंजीनियरिंग करने के लिए। सो व्हेन आई केम टू पुणे, इट वाज लाइक अ फर्स्ट टाइम आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम माय फैमिली। दैट वाज अ टाइम जब मेरा वाकई दिमाग खुलना शुरू हुआ, एंड आई एक्चुअली रियलाइज कि ओके, व्हाट आई हैव, व्हाट शुड आई डू इन माय लाइफ। एंड दैट आल्सो जस्ट स्टार्टेड बिकॉज़ आई वाज अ वेरी एक्टिव मेंबर इन द आर्ट सर्कल ऑफ माय कॉलेज टीम। So I used to be a part of a lot of street plays, yeah, for dance team mein. And at that time also, to be very honest, it was just an excuse to not study. Ki chalo agar padhai ke alawa kahin aur dhyan bhatkana hai to kya kare, chalo drama kar lete hai, dance kar lete hai, wo sab cheeze kar lete hai, kyunki college mein the, mom dad to hai nahi bolne wale ki ghar aao padho padho padho. Tab wo kar liya, tab wo 4 saal itna kiya engineering ke dauran ki itna acha laga, like I like it, there is no harm in going to Bombay and trying my luck out in this profession. If it works well and good, else there's always a plan B to fall upon, which is probably doing an MBA or working for any corporate. So yeah, I told my dad, because my dad is very strict against all this. He still is, honestly. So, abhi bhi jabhi, if I'm not getting work for a month or two, he's like, come back to Chandigarh. So, very cute also like that, but yeah.
सो आई टोल्ड माई डैड कि आई नीड टू गो टू बॉम्बे टू प्रिपेयर फॉर माई MBA. अब इंजीनियरिंग खत्म हो गया, आई नीड अ ईयर फॉर अ MBA प्रिपरेशन. मॉम को सच पता था, लाइक आई यूज टू टेल माई मॉम एवरीथिंग. सो या 2-3 months डाउन द लाइन इन बॉम्बे आई गॉट एन एडवर्टाइजिंग, आई गॉट एन एड. इट वॉज फॉर सम, इट वॉज अ गुड एड, या सो. एंड समबडी इन चंडीगढ़ सॉ दैट एड. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही टोल्ड माई डैड कि आपका बेटा मशहूरियों में आता है, तो बेसिकली एड को पंजाबी में मशहूरी कहते हैं. अच्छा, आपका okay. बेटा मशहूरिया भी चाहता है. पापा कहते नहीं, वो तो उठे पर्दा पे आएगा, MBA की तैयारी करता है. तो तब उनको फाइनली रिवील हुआ, उन्होंने देखा कि ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है. देन ही केम होम, ही स्पोक टू माय मॉम कि ये क्या हो रहा है. हाँ कर ली होगी एक आधी एड उसने, और क्या. एंड देन लेटर आई ऑफ कोर्स तब भी छुपा रही थी. हाँ, मॉम बीइंग मॉम वी आर ऑलवेज, बच्चों को हमेशा बचा के रखती है. तो या देन फाइनली he got to know, and then luckily I was blessed with good work initially, and that's what is going on. Yeah. So, आप अपने आप को as an actor, आपको क्या लगता है, आप अच्छी acting कर लेते हो? आपको अपने बारे में क्या लगता है? मतलब हम कुछ भी करें, इससे क्या फर्क पड़ता है? यार बहुत difficult सवाल है ये. Honestly, it's very very difficult because कहते ना कि जब आपको किसी चीज का ज्ञान ज्यादा हो जाता है, then आपको पता चलता है कि आपको कितना नहीं आता. जब मैं नया आया था बॉम्बे में, आप मेरी नाइविटी कह लो या फिर बचपना कह लो, इमेच्योरिटी कह लो, एक्टिंग क्या होती है यार, हो ही जाएगी यार, बचपन से तो करते ही आ रहे हैं. शुरू शुरू में ना क्या होता है कि आपको जब काम भी मिलना शुरू हो जाता है ना, और वो काम मिलने का रीजन कभी कभी आपकी एक्टिंग नहीं होती, बहुत सारे और रीजन हो जाते हैं कि ओके चलो यू लुक अ सर्टन टाइप, तो आपको लुक बेसिस काम मिल जाता है. देन समहाउ यू कीप गेटिंग वैलिडेशन ऑफ वॉट एवर योर वॉट हाउ मच एवर यू नो अबाउट दिस आर्ट. इट्स लेटर प्रॉब्ली वेन यू डोंट गेट वर्क, then you get to know कि oh my god, अच्छा मुझे अब ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है. एक्टिंग के बारे में बात कर रहा हूँ. एंड देन यू नो कि अच्छा इतना तो मुझे भी आता ही नहीं था. सो एज दे से ना कि फेलियर इज द बेस्ट टीचर. सो इट्स प्रॉब्ली वेन आई वॉज नॉट गेटिंग वर्क इन दिस पास्ट 10 years ऑफ माई लाइफ इन बॉम्बे, देन आई गॉट टू नो कि oh my god, अच्छा I have to learn this, I have to learn this, and then my kind of brains opened up कि there is so much to explore in this. And Touchwood, now I feel कि I am at a point where सीखने को तो बहुत बाकी है अभी, no doubt about that. But yeah, at least I am confident of my art now. आपके पास जब काम नहीं होता, तब आप अपने ऊपर क्या कर रहे हो? That's what kind of define you in any kind of artistic profession, I would say. Mm-hmm. Yeah, I think that's the same for sports as well. Mm-hmm. आप, you know how we see Virat Kohli कैसे इतना अच्छा कवर ड्राइव मारता है, या कोई भी जब शॉट मारता है तुम सोचते अरे यार कितना आसान है. अरे वो आसान नहीं है, उसने वो 100 बारी नेट प्रैक्टिस करी है उसकी, तभी हमको वो तब आसान लग रहा है वो, या तभी उतना एफर्टलेस लग रहा है. सो इट्स लाइक हाउ मच प्रैक्टिस यू डू एट योर होम व्हेन यू आर नॉट गेटिंग वर्क. एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट टफ टास्क ऑफ बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड टू जस्ट कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ इररिस्पेक्टिव वेदर यू हैव वर्क और नॉट. So yeah, coming back to your question, बहुत लंबा घुमा दिया. नहीं, that's all. तो कि how do I consider myself an actor today? I think given a good director, I can do a good job. Yeah. You do. Let's put it that way. No, I'm actually not just. I mean, मैं मक्कन नहीं मार रही हूँ. मैं सच में कह रही हूँ. आपका रोल जो मैं देखती हूँ, मैं भी शो देखती हूँ, तो बहुत convincing है. It's very convincing. Thank you. Well, honestly, पता है क्या होता है? Genuinely not being modest over here, but अगर आपका director अच्छा है और वो role लिखा अच्छा गया है ना, 50% of the job is done then and there itself. बाकी हम लोग आके कुछ कुछ करते आते हैं और वो sometimes it works, sometimes it doesn't work. So just like that. मतलब show देखते वक्त कई बार ऐसे भी moments थे मुझे आप पे गुस्सा आ रहा था. जब आप गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे थे दोनों के बीच में. I'm glad आप गुस्सा आ रहा था. मतलब justified then. Yes, exactly. The point. कई बार आप बहुत क्यूट लग रहे थे बिकॉज ऑफ योर चार्म दैट यू हैव इन दैट रोल. थैंक्स टू माय फैमिली फॉर दैट. माय लुक्स आर जस्ट बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स. सो मैंने कुछ किया नहीं अब तक उसमें. नो, बट नॉट जस्ट योर लुक्स, आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, द वे यू एवरी यू नो यू मेक एवरीवन लाफ. दैट आल्सो इज अ पार्ट ऑफ योर चार्म, राइट? सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, कि आपका जो एक किरदार है वो हर वक्त सबको हंसाना, कनेक्ट करना, लोगों को जोड़ना, वो चीज दिखती है. हाँ, मतलब मुझे जो रिव्यूज मिलते हैं मेरे शो के बारे में, तब मुझे ये सब पता चलता है अच्छा कि दिस इज द पर्पस ऑफ माय कैरेक्टर. कोई फर्क ही नहीं है एहसन और समर में मेरे हिसाब से. मैं आपसे जब मिली मुझे सच में नहीं दिख रहा फर्क. फर्क तो वैसे बहुत है. फर्क तो बहुत है. बट हाँ, मतलब हम लोगों का काम है यार ये कि फर्क ना दिखाना,
हम लोगों का काम ही वही है कि जस्ट टू कि आप जो आपको दिया गया किरदार आप उसमें इतना घुल मिल जाओ कि वो लगे ना कि ऐसा कि वो कोई और परफॉर्म कर रहा है. इट शुड कम फ्रॉम विद इन यू ओनली. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर जो कि लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट होगा. जी, अगर एक कॉमनर को टीवी एक्टर बनना है कैसे कर सकते हैं वो सबसे मैं आपको थोड़ा सवाल में थोड़ा चेंजेस लेके आऊंगा. अगर एक कॉमनर को एक्टर बनना है उसका जवाब दे सकता हूँ. अब वो टीवी करे या वेब करे या फिल्म करे या एड करे इज द सेम थिंग. सेम थिंग मतलब वो मीडियम्स अलग हो सकते हैं बट आई थिंक आपके जो बेसिक्स होते हैं एक्टिंग के वो तो आप हर जगह सेम लेके जाते हैं ना. टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आंसर दिस बिकॉज आई स्टार्टेड दिस एक्टिंग जर्नी क्वाइट लेट. सो यार अगर किसी को एक्टर बनना है तो यार अगर कोई बहुत छोटी उम्र में है लाइक प्रॉब्ली अभी अपनी 10th करी है तो जस्ट ज्वाइन अ थिएटर समवेयर नियर वेयरएवर यू आर. डायरेक्ट आप वॉक इन भी कर सकते हो ऑडिशंस में. हाँ हाँ मतलब सी दैट इज फॉर द स्टेज वंस यू आर इन बॉम्बे बट आई ऑलवेज फील यार कि मतलब ये सही तरीका है डायरेक्टली आप घुस गए. मतलब अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वही कर लो. मैंने तो वही किया था जब मेरे पास इतनी समझ नहीं थी बट नाउ आई फील कि इट्स ऑलवेज बेटर दैट इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग. सी आप कोई भी कोर्स करते हो आप जैसे अभी मेरी बात हो रही थी आपने बोला आप बाय प्रोफेशन सीए हो. अब आपको शायद से पता भी नहीं होगा How come you being a CA is helping you in this profession? Similarly, education is really important. मैंने इंजीनियरिंग करी 4 साल का प्रोग्राम किया उसके पहले 2 साल पढ़ाई करी 11th 12th में एग्जाम क्लियर किया तब जाके मेरे को 5-6 साल जॉब मिली ना. सो वाई इट्स नॉट द सेम विद एनी आर्टिस्टिक प्रोफेशन. वाई कांट आई कम टू बॉम्बे आफ्टर डूइंग अ 3 years कोर्स ऑफ एक्टिंग if my financial conditions and everything else allows that. अगर मुझे उतनी जल्दी लाइफ में समझ में आ गई है अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स आप बॉम्बे आ गए हो तो yes, auditions is definitely the first thing. You go for auditions and then there are n number of good acting workshops which happen in this city. अच्छा, very good workshops which happen in this city. ये आपको Google पे मिल जाएंगे simple. आप अगर Google करोगे हाँ वो जहाँ where there is a will there is a way that's simple as that. हाँ जब मैंने भी जब शुरू किया था तो ऑडिशन शुरू किया था और मुझे काम मिलना शुरू हो गया तब इतना स्ट्रेस नहीं लिया अपने एक्टिंग पे काम करने का जैसे मैंने बोला बट जब बाद में नहीं हुआ देन फाइनली आई थॉट कि ओके फाइन यू नो आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ कपल ऑफ इयर्स आई विल वर्क ऑन माय क्राफ्ट एंड देन प्रोबब्ली आई विल कम बैक अगेन. डिड यू डू दैट? Yeah, I did that. Yeah. For how many years were you out? I didn't intentionally took a break again to be honest. It just happened. मतलब I was auditioning while I was doing it, but बीच में आप कह सकते हो कुछ 3 से 6 महीने का when I wasn't even auditioning. काम मिलता है या काम ढूंढना बहुत मुश्किल है एक्टर्स के लिए क्योंकि हमें हमारे ऊपर इम्प्रेशन यही है आज. नहीं नहीं यार to be very honest अगर आपकी अपने क्राफ्ट पे पकड़ है और आप में काम करने की भूख है तो इस शहर में बहुत काम है. बहुत काम है. जेन्युइनली बहुत काम है. अगर आप लेकिन दो बड़े लेकिन है अगर आपकी अपनी क्राफ्ट पे पकड़ है इफ यू आर सो श्योर ऑफ योर क्राफ्ट एंड इफ यू आर जेन्युइनली लिटरली एवरी डे चलो इफ नॉट एवरी डे गिवन अ मार्जिन एटलीस्ट 4 days इन अ वीक वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट एंड यू हैव दैट पैशन कह लो आप उसको भूख कह लो काम ढूंढने की तो है यार काम. एंड समटाइम्स इफ यू आर नॉट गेटिंग वर्क प्रॉब्ली इट्स मतलब हाउ डू आई पुट इट यार इट्स नॉट योर टाइम राइट नाउ बट जस्ट कीप ट्राइंग एंड यू विल गेट वर्क. व्हाट इज लाइफ लाइक फॉर अ डेली सोप एक्टर? आपकी लाइफ रोजमर्रा में जिंदगी कैसी होती है 24 घंटे दिन के जो होते हैं अगर आपको बताना हो तो इज इट इजी डिफिकल्ट? नो नो इट्स यार सी व्हाट द थिंग इज ना कि वी आर ऑल हियर बाय आवर चॉइस. लाइक कभी कभी आप इंजीनियरिंग कुछ भी करके आप जब जॉब करते हो तो कभी कभी आप दिल से नहीं करते आप इट्स अ यू नो यू हैव टू डू इट बिकॉज यू नीड टू हैव अ सोर्स इनकम फॉर योर ब्रेड एंड बटर. आई एम हियर बाय माय चॉइस लिटरली सो आई एम गेटिंग पेड टू वर्क. सो व्हेन वी आर वर्किंग आई डोंट नो अबाउट एनीवन एल्स बट आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई एम वर्किंग. My work days are the happiest days, though they are the most hectic and the most stressful days as well. Does the job pay you well? Yeah, as I said, see, well is a very subjective thing. Do you earn well? Did you get paid? Well? It's all very subjective. Yeah, it's all very relative. Like I remember what I used to
कोट और चार्ज इनिशियली जब मैं नया नया बॉम्बे में आया था, तो लाइक हाउ डू आई पुट इट, देन आई यूज्ड टू फील कि जब मेरा बजट एक्स अमाउंट से वाई अमाउंट हो जाएगा ना, आई विल बी वेरी हैप्पी, राइट. अब वो एक्स से वाई हो गया ना, लाइक जब वाई से जेड हो जाएगा ना, तो इट्स इसका कोई एंड नहीं है, लाइक जेन्युइनली देयर इज नो एंड टू इट. बट ऑल आई कैन से इज कि इफ यू आर getting work consistently in the city, there is a decent money involved as well. तो आप satisfied हो? मैं satisfied हूँ. compare करते हो अपने आप को दूसरों से? नहीं, मेरे से बिल्कुल नहीं होता. नहीं, शुरू में करता था, अब नहीं. कोई फायदा ही नहीं है यार, literally कोई फायदा नहीं है. मतलब मैं तो बहुत करता था, फिर बाद में realize हुआ मैं कहाँ किस loophole में घुस गया हूँ. It's a time waste. कोई मतलब आप देखो, आप जहां पर भी हो ना आज, आपसे ऊपर कोई ना कोई हमेशा कोई होगा ही होगा, लिटरली होगा ही होगा. आप नंबर टू पे आ जाओगे, कभी अडानी ऊपर जाएगा, कभी अंबानी जी ऊपर जाएंगे, तो वो लूप वो रहेगा ही रहेगा. आई माइट साउंड वेरी क्लीशे, बट आई एम माई ओन कॉम्पिटिशन. लाइक आई जस्ट फील कि अच्छा, मैं कल कैसा था, मैं आज कैसा रहूंगा, और मैं कल क्या बनना चाहता हूँ. You really mean what you're saying. I can like hear it. I think this profession teaches you that, or probably I would say any artistic profession teaches you that. Because should I believe you or not? No, that's you're what I'm telling you. No. When you said that you're sounding very convincing about what I'm saying, I'm not. I'm saying that what I just said, that this profession teaches you a lot. Hmm. Yeah. Okay. How? How you have to be known. वो भी हो सकता है. I'm a good actor. Okay, so, moving on. Okay, now this is my question. I really want to know this. Mm-hmm. How do you memorize your scripts? ये लंबी लंबी होती होंगी यार. यार ऐसा होता है. घर आ जाती है. नहीं. टीवी में ऐसा नहीं होता. Television medium is a very, very very different medium from any web or film, because film mein you have a full bound script. Matlab jaise aapke paas ek book hoti hai, to wo book aapko pehle mil jati hai. Ab aap book ka pehla aur aakhri panna, film ko pata aapko kya hai. TV mein aisa nahi hota. Same is with the web. You know the first episode, you know the 10th episode. Aapke paas pehle ek full bound script aa gayi hai, book ki tarah. TV mein aisa nahi hota. TV mein they write the like they have a backdrop of ki how story will go, but then they write probably after every 10 episodes they write 5 or 10 episodes. So TV mein you don't get the script. We usually get the scripts in the morning only. और उसी दिन शूट होता है. उसी दिन शूट होता है. तो आप याद करते हो? कभी-कभी तो सीन से पहले मिलता है. हाँ. याद कैसे करते हो? ये तो बहुत challenging sound करता है. Yeah, it is. शुरू-शुरू बहुत लगता था. But बाद में मतलब जैसे हम यार छोटे होते हुए कैसे चीजें याद. See, if you want to make things complicated, it will get complicated. I try and find the easier way out. छोटे होते when I used to go for my school or college viva, हम मैं कैसी चीजें याद करता था. हम चीजों को पढ़ते थे, समझते थे, फिर याद करते थे. फिर कभी कभी viva देते समय, exam देते समय या लिखते समय उसको अपने शब्दों में लिख दिया करते थे, right? थोड़ा बहुत words ऊपर नीचे करके. अभी भी मैं इसमें यही करता हूँ. तो अलाउड है ऐसे थोड़ा बहुत अगेन, अगर आप उस कैरेक्टर के दायरे में कर रहे हो और वो दायरा है कि नहीं, वो आपका डायरेक्टर बैठा आपको बताने के लिए. तो जब आप मुझे बोलते हो कि यार जो भी आप बोलते हो वो अपना सा लगता है, क्योंकि मैं उसको शायद से अपना बनाता ही ऐसे हूँ जेन्युइनली. ओके, मूविंग ऑन. अच्छा, आप तो लोगों के घरों में है भाई, लोग आपको टीवी पे देखते हैं. हाँ, मतलब कह सकते हैं सैकड़ों लोग पहचानते होंगे सड़कों पे. आप उसके साथ डील कैसे करते हो? एंटरटेनिंग होता है, इरिटेटिंग होता है, या मजा आ रहा होता है, या इसके दो जवाब है. पहला जवाब तो हाँ यार, बहुत लोग पहचानते हैं रोड पे, और फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अभी मैं देख रही थी आप अंदर आ रहे थे ना, आपको फ्रिस्क कर रहे थे, वो इतना हंसे आपको देख के, इतना खुश हो रहे थे वो. अच्छा, मैंने नोटिस नहीं किया. This industry keeps you really grounded, man. Mm-hmm. Why? Because, I'm just repeating myself, you have seen so much of downfall
that when you get some success, yeah. you really know what it is. Yeah. So automatically you know ki all this success, whatever I'm seeing around me, is very short-lived. Short-lived in a way ki jab tak mera show hai, tab tak hi hai ye. Theek hai, jab tak wo milta hai, usko bahut acche se receive karo with full of gratitude. Ghar aake, you're back to the square one. To acha lagta hai? Haan. हाँ मतलब इरिटेटिंग लगता है नहीं नहीं इरिटेटिंग बिल्कुल भी नहीं यार नहीं 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 फोटो तो खिंचाते होंगे हाँ वो खिंचाते हैं तो मैं कुछ कुछ खिंचा लेता हूँ हाँ ऑफ कोर्स अच्छा लगता है हाँ बट इट डजंट डन मैं भी खिंचाऊंगा 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स यार आता है यार मेरे तो 45 भी नहीं होंगे मुझे आपका इंटरव्यू लेना चाहिए ये वाला यूज कर ले रहा चलो भाई मूविंग ऑन सवाल लिख के आइए आप इंप्रेसिव हाँ बोले बोले पूछी पूछी कुछ एक्टिंग के कुछ टिप्स तो ना अरे यार अगर इंसान से ले लो आप टिप्स अरे पहले एक्टर तो बनने दो यार आप हो एक्टर फिर भी अगर जैसे किसी को सच में बनना है दो तीन चीजें जो आप बोलना चाहोगे आई एम श्योर पीपल विल अप्रिशिएट दैट हेल्प कर रहे हो आप एज एन एल्डर ब्रदर इतना इतना बड़ा मुझे ओहदा मत दो आप नहीं लोग कितने लोग होंगे जो सच में देखेंगे इस वीडियो को इस राह यार पता नहीं मतलब एक्टिंग की हेल्प क्या क्या कह सकता हूँ मैं यार मतलब इट्स डिफरेंट एट डिफरेंट स्टेजेस बट इफ फॉर प्रॉब्ली फॉर एनी प्रोफेशनल एक्टर इफ हैव टू गिव एनी एडवाइस इट विल बी कि मैन जस्ट डू योर लाइंस जितना अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से लाइंस करो एंड व्हाई आई से इट इज बिकॉज See, right now while I'm talking to you, I'm not thinking what I'm saying. I'm not thinking about my lines. कि अच्छा मुझे अब ये बोलना है. I'm just thinking on my thought. मेरा thought क्या है? मेरे से एक सवाल पूछा गया है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ. तो मैं उस thought पे focus कर रहा हूँ. अगर मैं अब जो मुझे show में या कहीं पे भी बात करनी है, मुझे वहाँ पे चार लाइनें दी गई है. मैं उन चार लाइनों के बारे में सोचता रहूंगा कि वो लाइनें क्या थी. तो आई विल नेवर फोकस ऑन व्हाई आई एम सेइंग व्हाट आई एम सेइंग सो दैट्स व्हाई आई मेक श्योर कि आई हैव टू फोकस ऑन व्हाई आई फोकस ऑन व्हाई आई एम सेइंग व्हाट आई एम सेइंग इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग आई गेट इट एंड एक्चुअली आप इस क्वेश्चन को कर रहे थे क्या सवाल पूछे पता कितना अच्छा जवाब दिया आपने अच्छा पता नहीं मतलब ये बहुत हेल्पफुल है एक्चुअली बडिंग एक्टर चलो होगा तो अच्छी बात है यार थैंक यू कोई और टिप नंबर 2 टिप नंबर 2 यार अपने ऊपर काम करते रहो बस यार इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस मिस्टर बच्चन कहते हैं कि वो इस उम्र में आके भी सीख रहे हैं तो हम तो क्या ही है उनके सामने एंड डोंट मेक एक्टिंग योर लाइफ आई थिंक दैट मिस्टेक आई डिड इनिशियली आई यूज्ड टू थिंक एक्टिंग इज माय लाइफ देन लेटर आई रियलाइज्ड डोंट मेक इट योर लाइफ लाइक डू एवरीथिंग इन लाइफ जस्ट हैव मोर एक्सपीरियंसेस इट्स काइंड ऑफ बिकॉज एक टाइम के बाद ना आप कितना भी कह लो पैशन है आपका वो प्रोफेशन ही चलो हाँ यू आर लकी टू हैव दैट पैशन एज प्रोफेशन बट डोंट डू इट फॉर 24 आवर्स समटाइम्स हाँ एंड कुछ लोग अगर आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे तो वो भी गलत है यार क्योंकि हम खाली बहुत होते हैं ना हम बस काम नहीं होता तो खाली बहुत होते हैं तो खाली दिमाग होता है शैतान का दिमाग होता है तो कभी कभी होता है कि एक एक हफ्ता कुछ नहीं कर रहे बट ठीक है फिर वो खुद ही जैसे बोला खुद ही गिरते हैं खुद ही उठते हैं ये जर्नी लगी रहती है सबके साथ ऐसे ही अपने आप अपने कमरे में अपने को बंद करके एक्टिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो दिस इज व्हाट यू आर सेइंग इंप्लाइंग ये भी एक तरीका हो सकता है अपने ऊपर काम करने का नहीं यार अपने ऊपर काम करने के बहुत तरीके होते हैं मतलब नो दिस इज वन ऑफ द वेज आई एम सेइंग क्योंकि एक्टिंग की प्रैक्टिस कोई कैसे करे हाउ डू यू डू आप वर्कशॉप्स में जाओ आप जब वर्कशॉप में जो सीखे आओगे उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो आप मोनोलॉग्स प्रिपेयर कर सकते हो आप प्रैक्टिसिंग एक्टर विल ऑलवेज बी अ गुड एक्टर जो प्रैक्टिस करता रहेगा अपनी क्राफ्ट को वो हमेशा गुड रहेगा जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो शायद से अच्छा ना हो तो आप किसी भी एक्टर को पकड़ के गूगल पे जाके इतने सारे सीन्स है कोई भी सीन उठा लो उसको तैयारी करेंगे उसकी जो हमको जैसे वर्कशॉप में सिखाया ऐसे तैयारी करनी है राइट विल प्रेप फॉर इट एंड आफ्टर 2-3 डेज ऑफ प्रेप विल रिकॉर्ड दैट सीन एंड प्रोबब्ली शो टू आवर वर्कशॉप ट्रेनर अच्छा हुआ मैंने सवाल पूछ लिया नहीं तो इतनी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती ना ये चीजें मुझे नहीं पता है एक्चुअली ये आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है तो मुझे समझ में आ रही है ये चीज मुझे आइडियाज नहीं है इन चीजों के कि अच्छा प्रेप करना है गूगल से सीन निकालना है प्रेप करना है आप ये नहीं कह सकते कि मैं शूट पे जाके एक्टिंग करूंगा नो शूट इज टू योर हाउ डू आई से इट्स योर प्ले ग्राउंड यू हैव टू गो एंड प्ले ओवर देयर व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू आपका क्या इरादा है अगला इसके बाद आई हैव नो आईडिया आई जेन्युइनली हैव नो आईडिया कोई लाइफ का ऐसा लॉन्ग टर्म गोल हो जो अचीव नहीं यार पहले बहुत होते थे पहले बहुत ज्यादा होते थे
ऐसे बात कर रहे हो आपके पता नहीं इतने साल हो गए बुढ़ापा आ गया बुढ़ापा तो पता नहीं है लेकिन पता क्या होता है यार मतलब not a right thing to say but this profession is so unpredictable na, that I have stopped thinking about the result like genuinely I've stopped thinking about the result I just feel that I need to focus on what I am doing result will come irrespective and that has happened because whenever I used to think okay now I want this and like for example choti si baat maine kisi film ka audition diya right वो बहुत बड़ी फिल्म है होता है यार भगवान प्लीज वो फिल्म में हो जाए यार प्लीज ऐसे ही करते हैं ना हम लोग भगवान वो प्लीज वो हो जाए पहले तो आप ऑडिशन के लिए इतनी तैयारी करोगे राइट लेकिन इट्स अ वेरी डबल एज्ड स्वॉर्ड हां लाइक यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स और लॉट ऑफ प्रेप फॉर द ऑडिशन बट व्हाइल यू आर ऑडिशनिंग यू हैव टू बी रियली एफर्टलेस या एक्टिंग इज ऑल अबाउट बीइंग एफर्टलेस एंड बीइंग नेचुरल ना सो इट्स अ वेरी वेरी थिन लाइन लाइक ऑल दोस प्रेप यू हैव डन दैट यू कांट उसके बाद इसमें हो जाए उसमें हो जाए बट 10 इयर्स डाउन द लाइन आई हैव रियलाइज्ड आपका मन का हो तो अच्छा मन का ना हो तो लिटरली उससे भी अच्छा मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ बेस्ट एग्जांपल ये कथा आई गेव कथा ऑडिशन लाइक ऐसे टाइम पास कि चलो ठीक है दे देते हैं यार आई वॉज नॉट इवन वेरी बिकॉज अगेन व्हाई आई वॉज नॉट कीन बिकॉज इट्स नॉट अ लीड रोल मुझे कोई इसमें हर्ज नहीं है बोलने में ठीक है मैं आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर लीड्स बट मुझे कॉल आया कास्टिंग डायरेक्टर अच्छे थे स्क्रिप्ट अच्छी थी प्रोडक्शन हाउस अच्छा था इनका नो हार्म इन ऑडिशनिंग मैंने ऐसे बहुत सारे मैं ऑडिशन करता रहता हूँ जब मुझे पता होता है मुझे ये नहीं भी करना मैं वो भी ऑडिशन करता रहता हूँ बाय द वे तो मैंने कहा चलो ठीक है दे देते हैं इसका ऑडिशन करना वरना तो है नहीं मेरे को ठीक है तो मैंने दे दिया और बाद में उसमें हो गया मैंने कहा चलो वो हो ही गया तो आजकल कुछ और कर ही लेते हैं यार अब आफ्टर करने के बाद पता चला अच्छा मतलब नहीं यू मेड अ प्लेस फॉर योरसेल्फ ऑन द शो देयर यू गो सो पीपल ये मन का सोच यही मैंने दे लव यू इन द शो थैंक यू तो ये मन का सोचा हुआ नहीं था ना तो मन का सोचा हुआ नहीं तो शायद से और भी अच्छा हो गया और ऐसा पास में बहुत बार ही हुआ मेरे साथ टू रियली आस्क मी आई जस्ट वांट टू डू गुड वर्क मैन बीट एनी प्लेटफॉर्म वेब फिल्म टीवी आई जस्ट रियली वांट टू डू गुड वर्क बिकॉज बहुत मजा आता है आप जब अच्छा काम करते हो अच्छे डायरेक्टर्स के साथ करते हो आपको जेन्युइनली बहुत मजा आता है लाइक यू फील फॉरगेट द ऑडियंस वैलिडेशन आई मीन जब वो मिलती है तो ऑफ कोर्स हाथ जोड़ के लेता हूं मैं लेकिन आपको जो आप खुद अपने आप को वैलिडेट करते हो ना उसकी जो आपको खुशी मिलती है दैट इज इमटेरियल या सो नो एक्चुअली आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि जी तो आप रहे हो इस प्रोफेशन में आप लोग जी रहे हो चैलेंजेस मोटिवेशन यू आर टॉकिंग ऑल फ्रॉम योर हार्ट राइट हाउ मेनी ऑफ अस कैन डू दैट आई मीन लेट्स ओके लेट मी कीप मायसेल्फ आउट ऑफ दिस बिकॉज़ मोर ऑर लेस हम एक जैसे काम में आ जाते हैं बट यस फॉर मोस्ट पीपल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कनेक्ट दैट पैशन एंड लव फॉर व्हाट दे डू आई वुड से आई एम द ब्लेस्ड एंड लकी वन और मैं क्या बोलूं यू आर That's right. Okay, so the next thing that I want to know from you is, what do you like to do? Like, general hobbies, how you pass your time? Hobbies by definition is something which you do in your free time, right? Mere liye as such free time hota hi nahi hai. शुरू में तो I used to feel my work is my hobby only. Because that's what I like to do usually. So, ऐसा नहीं है कि जॉब कुछ और है मेरी जॉब मेरी हॉबी है सो या आई गेट अप अर्ली ईदर गो फॉर माय वॉक और डू सम योगा और डू माय वर्कआउट दैट इज वन ऑफ द थिंग्स एंड देन आई कम हैव अ नाइस ब्रेकफास्ट विद माय नाइस कॉफी और अ टी आई एम मोर ऑफ अ टी पर्सन इन इवनिंग इफ यू रियली हैव टू आंसर योर क्वेश्चन व्हाट आई डू इन माय फ्री टाइम आई रियली लाइक प्लेइंग बैडमिंटन सो या दैट इज समथिंग आई लाइक टू डू व्हेन आई एम इन बॉम्बे और अदरवाइज जब भी मौका मिलता है थोड़ा छुट्टी में निकल जाता हूँ यार आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट लास्ट टाइम मैं केरला गया था अभी पिछले साल ही गया था God's own place. जी 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 बहुत 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 बढ़िया है यार और पता है इनफैक्ट मैंने मतलब कि इट्स आयरनी मैं इंडिया से हूँ लेकिन तब भी मैंने बहुत शायद से लेट रियलाइज की है थैंक्स टू दिस पैंडेमिक तब मुझे इंडिया में मेरे को बहुत ट्रैवल करने को मिला कुछ अपने बोलना नहीं चाहिए ऐसे आई नो नोबडी विद लाइक दिस स्टेटमेंट ऑफ माइंड तो पहले मैं गया था मनाली गया था तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इज देयर इज सो मच टू ट्रैवल इन इंडिया आल्सो
सो मच टू एक्सप्लोर इन आवर ओन कंट्री दैट आप बाहर नहीं भी जाओगे तो चलेगा यार, सब कुछ हमारे देश में. ओके वन लास्ट क्वेश्चन इज लेफ्ट फॉर यू. बस जल्दी खत्म हो गया. अच्छा पता है कितनी लंबी फुटेज होगी. एडिट कर देंगे. एडिट करने में हमारी आपको आधी तो बकवास की है मैंने तो. ठीक है. नहीं नहीं एक्चुअली नहीं करिए. ओके चलो ठीक है. नहीं करिए. आपके हिसाब से क्या व्यू है इंडियन टीवी सीरियल्स का? मुझे याद है एक जिंदगी नाम का एक वो होता था चैनल जो भाई इंडियंस ने तो तोड़ के देखा है. जिसमें पाकिस्तान के बहुत शो जाते थे. जी 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 जी. तो आपको क्या लगता है इंडियन टीवी शोज कहाँ हैं अभी? यार सी क्या हो गया ना कि अभी हमें एक्सपोजर बहुत मिल गया है. नेटफ्लिक्स और अमेज़न इन सब प्लेटफॉर्म्स की वजह से एक्सपोजर इतना बढ़ गया है ना कि यू रियली कांट फूल ऑडियंस दीस डेज. So unless your content is good, it will take an instant second that they will skip to it. Also, I think ki jaise pehle I feel because of this Insta reels and all, to unko habit hai ki 15 second mein unko sab kuch dikh jana chahiye. To agar 15 to agar humko unko acha content nahi diya, then they will change it because there is so many options available. Rahi baat TV content ki, to I think TV ki ek apni ek audience hai. जिसको हमारा इंडियन टीवी केटर करता है एंड उसकी वो बहुत रिलीजियस ऑडियंस है. ठीक है. जैसे हमारी जो हमारी फैमिली हो गए पेरेंट्स हो गए उनके लिए कितना भी नेटफ्लिक्स अमेज़न वगैरह आ जाए दे विल स्टिल स्टिक टू द वो ओल्ड स्कूल थॉट है जो कि बहुत अच्छी बात है. जो उसको स्टिक करेंगे. सो आई थिंक आवर टीवी इज बेसिकली केटरिंग टू दैट मीडियम एंड नाउ आई एम लकी एंड ब्लेस्ड टू हैव अ शो लाइक कथा विच इज नॉट जस्ट केटरिंग टू द टीवी ऑडियंस बट ऑल्सो probably the so-called web audience or the young audience, it's because of its content. We just focus on content. The rest are by-products. If TRP comes, it's a good thing. If it comes, what do? We have to be honest to our content. Now, our online TRP is number one, apparently. So, I think that's what Katha is doing. Plus, then there are few shows which are only catering to TV audience. That's also a good thing. So, बढ़िया है ना. मतलब काम ज्यादा है तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है देखने के लिए. तो और क्या चाहिए. आपको मजा आया? बहुत मजा है. तभी तो मैं बोल रहा हूँ इतनी जल्दी खत्म कर रहे हो. आज छुट्टी है ना वेला हूँ तो इसलिए एक्चुअली. मुझे बहुत मजा आया और सच में आई होप जो देख रहे हैं उनको भी मजा आना चाहिए. इन्फॉर्मेटिव था बहुत बहुत एक्चुअली. ज्ञान ज्यादा दे रहा था क्या? नहीं नहीं जरूरी है. जरूरी है फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ना लोग. हॉर्सेस माउथ बड़े बड़े शब्द मेरे लिए आप यूज कर रहे हो. खुद को हजम नहीं हो रहा. लोग जानना चाहेंगे तो मैं एक्टिंग थोड़ी करती हूँ कि मैं बताऊँ कि कैसे कर सकते हैं इसको. जिनको भी जिनके लिए भी अच्छा है तो अच्छी बात है यार. व्हाई नॉट. बिकॉज ऑब्वियसली चार्म है इस प्रोफेशन में है ना. There's a reason people want to click pictures with you, right? Yeah, but मेहनत भी बहुत है. मेहनत कहीं भी कोई ऐसी कहीं भी नहीं है. जो जहाँ पे मेहनत ना हो मेहनत हर जगह है. नहीं नहीं. I won't lie. Even I came in this profession because of the firstly as what I said ki because I started doing it and I was like let's do it and the entertainment value. But it's only when 10 years down the line you realize that okay with entertainment it comes a lot of hard work. But yeah. More than happy to do it. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, bye.